हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स की तरफ से मार्च क्वार्टर के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आउट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, हैप्पीएस्ट माइंड्स के रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आई हुई है, यहाँ पर अपडेट हो चुका है फ्रेंड्स। और साथ में कंपनी की तरफ से फाइनल डिविडेंड का भी रिकमेंडेशन हुआ है, जो कि 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की जो है डिविडेंड रिकमेंड किया है, जिसका अप्रूवल फ्रेंड्स 11th एनुअल जनरल मीटिंग में किया जाएगा। और एनुअल जनरल मीटिंग जो शेड्यूल हुआ है वो 30 जून 2022 को शेड्यूल की गई है। अब हम लोग कंपनी के नंबर्स की ओर बढ़ते हैं, जो फिनंशियल स्टेटमेंट है हम लोग कंपनी का नंबर्स देखते हैं, कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है और लैक्स में नंबर्स दी गई, जिसको हम लोग करोड़्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर कंपनी का इनकम की बात करें तो 310 करोड़ के अराउंड इनकम हुआ है मार्च क्वार्टर में, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 292 करोड़ के अराउंड इनकम हुआ था और मार्च 21 क्वार्टर में 223 करोड़ के अराउंड इनकम देखने को मिल रही थी। तो देख सकते हैं कंपनी की जो इनकम है फ्रेंड्स, क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में जो है इनकम बहुत ही शानदार तरीका से ग्रोथ किया हुआ है। देख सकते हैं एक्सपेंस की अगर बात करें तो 240 करोड़ के अराउंड एक्सपेंस हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 226 करोड़ के अराउंड एक्सपेंस हुई थी और मार्च 21 क्वार्टर में 174 करोड़ के अराउंड एक्सपेंसेस देखने को मिल रहा था। तो देख सकते हैं कंपनी का जैसे इनकम में ग्रोथ हुआ, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का खर्च भी बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें, जो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, यहाँ पे 52 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट हुआ है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 48 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट हुआ था और मार्च 21 क्वार्टर में 36 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ की हुई है। यहाँ पर प्रॉफिट में जो है सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों में प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ है, एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम EPS की बात करें तो 3.68 रुपीज़ का EPS है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर से इस बार अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस निकल के आई है। सेगमेंट की यहाँ बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं IMSS, DBS और PES, इन तीनों से कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, जो कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग हैप्पीएस्ट माइंड्स के स्टॉक फिनंशियल रिजल्ट्स को कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।